नमस्कार मंडली, दिस इज अनिकेत फ्रॉम अमेजिंगली वियर्ड और आप देख रहे हैं एक अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कर दें, थैंक यू। इसी तरह से एक सायरन के बाद दूसरे सायरन की आवाज़ यूक्रेन के हर बड़े शहर में सुनाई देने लगी और देखते ही देखते उसकी गूंज पूरे जहां तक पहुंच गई। रशिया और यूक्रेन का ये मसला कोई आजकल में शुरू हुई कहानी नहीं है। ये संघर्ष साल 2014 के पहले से चलता आ रहा है। इसमें रशिया के साथ उनके समर्थक राष्ट्र यूक्रेन के खिलाफ खड़े हैं। इस संघर्ष की शुरुआत यूक्रेन के क्रीमिया और दोनबास इन शहरों की स्थिति को लेकर हुई थी। माना जाता है कि क्रीमिया और दोनबास यूक्रेन का एक हिस्सा रहे हैं जिसे 2014 में रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया था और आज की घड़ी में ऐसा मालूम होता है कि रशिया पूरे यूक्रेन पर हमला कर उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश में जुटा हुआ है। पर इस पूरे मसले का परिणाम हमारे भारत देश पर किस तरह होगा, ये सवाल ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल तो भारत देश ने यह साफ जाहिर कर दिया है कि रशिया यूक्रेन के विवाद ने भारत एक निष्पक्ष रूप से तटस्थ नीति अपनाएगा। पर एक बात तो तय है कि इस जंग की वजह से हमारे देश पर और उसकी इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। पहले तो कोविड-19 की महामारी ने भारत के साथ पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया और अब इन दो देशों की लड़ाई में भारत की इकोनॉमी को फिर से एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इन दोनों ही देशों के साथ हमारे व्यापारी संबंध बड़े पैमाने पर बरकरार हैं। सबसे पहली बात जिस पर गौर करना ज़रूरी है वो ये है कि इंडिया रशिया जैसे देश से बहुत सारा क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है, लगभग 43,400 बैरल्स पर डे, और साथ में रशिया से बहुत सारा कोयला भी इम्पोर्ट किया जाता है। अब इस वॉर की वजह से क्रूड ऑयल की कीमत हद से ज़्यादा बढ़ेगी और उस वजह से इंडिया में पेट्रोल और डीजल की कीमत जो 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है वो इससे भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बढ़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें हम खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनका भी दाम बढ़ेगा। इतना ही नहीं तो हमारे यहाँ जो वेजिटेबल ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल हम करते हैं उस तेल का 80% हिस्सा यूक्रेन से इम्पोर्ट किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि सनफ्लावर ऑयल का दाम भी बढ़ जाएगा। अब इस बुरी खबर के साथ एक अच्छी खबर ये हो सकती है कि भारत में प्रोड्यूस होने वाले गेहूं का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सकता है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन वीट एक्सपोर्ट करने के मामले में इंटरनेशनल मार्केट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अब इन दोनों देशों के बीच हो रही जंग के कारण भारत से एक्सपोर्ट किए जाने वाले गेहूँ की मात्रा बढ़ जाएगी, ऐसी संभावना है। अब अगर मेटल इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडिया में 2020 में 83.98 मिलियन $ इतनी बड़ी कीमत देकर रशिया से आयरन और स्टील इंपोर्ट किया था। अब इंटरनेशनली रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं और इन सैंक्शंस में मेटल इंपोर्ट्स पर बैन लगाया गया तो इंडिया को बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, खास तौर पर वाहनों के यानी व्हीकल्स के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब इस जंग की वजह से सबसे सीधा वार जहां पर हुआ वो था इंडियन स्टॉक मार्केट। मार्केट ओपन होते ही सेंसेक्स 1800 पॉइंट से नीचे गिर गया। ग्लोबल मार्केट्स के साथ साथ एशियन मार्केट्स पर भी इस वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस साफ दिखाई दे रहे थे। इंडियन इकोनॉमी पर तो इस वॉर का एक पावरफुल इम्पैक्ट पड़ा है और जिस तरह से लोग तीसरे महायुद्ध की बात कर रहे हैं वो सच हो जाए तो बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज पर ताला लगाने की नौबत आ सकती है। एक अहम मुद्दा ये भी है कि यूक्रेन में जिन जगहों पर हमले हो रहे हैं वहाँ इंडिया के लगभग 18,000 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूक्रेन का एयर स्पेस बंद होने से पहले ही इंडिया लौट आए थे, पर कई सारे स्टूडेंट्स अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यकीनन आज नहीं तो कल इस लड़ाई का अंत हो ही जाएगा, पर ज़रूरी सवाल ये होगा कि ये अंत कब होगा और किन हालातों में होगा। निश्चित रूप से हम सब यही चाहेंगे कि चीज़ें खराब नतीजों तक ना पहुँचे। ये इस दुनिया की कोई पहली जंग नहीं और ना ही कोई आखिरी जंग होगी। बस यही आशा है कि लोग शांति और अमन की परिभाषा को कभी ना भूलें।